सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित, विभागाध्यक्ष पशु प्रसूति एवं मादा रोग, और आप सभी का मेरे इस चैनल पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गंभीर समस्या की जो कि पशुपालक भाइयों को बहुत परेशान करती है, और वो है फुराव अथवा रिपीट ब्रीडिंग। दोस्तों, फोराव अथवा रिपीट ब्रीडिंग जो है, वो पशुपालक जो है, उसका पशु गर्मी में आता है, वो उसको सांड से अथवा कृत्रिम वीर्यदान से फलित करवाने की प्रयास करता है, लेकिन वो जो है याबिन नहीं रहता और वो दोबारा गर्मी में आ जाता है किस दिन के बाद। दोस्तों, यदि गाय या भैंस को समय पर गर्मी में आने पर 2 से 3 बार या इससे अधिक बार सांड अथवा झोटे से प्राकृतिक गर्भाधान करवाने अथवा कृत्रिम वीर्यदान करवाने के पश्चात भी वह गाभिन नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति को हम फोराव कहते हैं। दोस्तों, फोराव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कारण जो है वो सांड के अंदर हो सकते हैं, कुछ कारण उस गाय के स्वयं के अंदर हो सकते हैं। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि केवल गाय में कमी ही नहीं जरूरी है, सांड में अथवा जो वीर्य आप उपयोग में ला रहे हैं उसमें भी कोई परेशानी फुराव का कारण हो सकता है। देखिए भाइयों, कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्थिति अगर आपके बाड़े में काफ़ी पशुओं में हो रही है, तो इसका कारण सांड, वीर्य अथवा पशुओं को दिया जाने वाला खान पान हो सकता है, एवं इन सभी चीजों का मूल्यांकन चिकित्सक द्वारा करवाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति केवल एक या दो पशुओं में है, तो अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चादानी में संक्रमण, डिम्ब ग्रंथि में सिस्ट, अत्यधिक गर्मी का मौसम, अन्य कारणों से तनाव, भोजन में खनिज लवणों की कमी, या अनुचित समय पर किया गया गर्भाधान, या अनुचित तरीके से किया गया कृत्रिम वीर्यदान। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि पशु जब ब्याता है, आप इस चित्र में देख रहे हैं, अगर वहां का वातावरण अत्यधिक गंदा होता है, तो उस समय बच्चादानी का मुख जो है वो खुला होता है, तो बच्चादानी में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। पशु के ब्याते समय जब बच्चा बाहर आता है, तो आमतौर पर पशुपालक उसकी पाँव पकड़ के खींचता है, और जब वो नहीं निकलता क्योंकि वो फिसलता है, तो वो रेत लगा लेता है अपने हाथों पे। ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से पशु बाद में फुराव की समस्या का शिकार हो सकता है, क्योंकि बच्चादानी में संक्रमण हो सकता है। देखिए, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अगर ऐसा स्राव, गंदा स्राव पशु दे रहा है बाद में जब हीट में आता है, या ऐसा दे रहा है इस चित्र में देख रहे हैं, तो पशु के गैबिन रहने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। दोस्तों, भोजन में ऊर्जा की कमी अथवा अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन, जैसे कि अधिक मात्रा में चूरी का खिलाना भी फुराव का कारण हो सकता है। पशुपालक आमतौर पर पशुओं को बहुत ज्यादा मात्रा में चने की चूरी या मूंग की चूरी या अन्य चूरी जो है खिलाते हैं, और इसकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो पशु फुराव का शिकार हो सकता है, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, तो जो है उसके पशु के शरीर में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या फ्री अमोनिया बढ़ जाती है, और वो फुराव का शिकार हो सकता है। इसके लिए पशुपालक भाई या तो बाईपास प्रोटीन खिलाएं अथवा बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं दें। फिर पशुओं के ब्याते समय होने वाली परेशानियां, जैसे कि जेर का समय पर नहीं गिरना, मिल्क फीवर अथवा कीटोसिस भी बाद में फुराव का कारण हो सकता है। पशुपालक जब जर नहीं गिरती, तो उसे खींच के या तो स्वयं निकाल देते हैं, या अगर वो किसी अकुशल व्यक्ति द्वारा निकाली गई हो, तो जेर टूट सकती है और बच्चादानी में घाव हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि आप कुशल चिकित्सक से ही जेर को निकलवाएं, और निकालने के बाद जो है उसमें एंटीबायोटिक की गोलियां रख दें, ताकि अंदर संक्रमण न हो। फिर एक और जो समस्या जो देखने में आई है, कि होलस्टीन फ्रीजियन गायों में अक्सर हीट का समय लंबा 2 से 3 दिन होता है, और पशुपालक जो है ऐसे पशु को
गर्भाधान करवा के ले जाता है, लेकिन उसकी हीट जो है 2 से 3 दिन चलती है और ओवुलेशन जो है वो 2 से 3 दिन बाद होता है। तो तब तक शुक्राणु जो है मर जाते हैं और पशु फुराव का शिकार हो जाता है। तो ऐसे पशुओं को 2 से 3 दिन 3 बार कृत्रिम गर्भाधान रोजाना करवाना चाहिए, अथवा चिकित्सक की सलाह से उसे कोई टीके लगवा सकते हैं। और अगर किसी सामान्य जो है हीट वाले पशु में भी यदि ओवुलेशन देरी से होता है तो उसको भी चिकित्सक जो है टीके लगवाकर ओवुलेशन को समय पर करवा सकता है। फिर एक समस्या होती है कि जो है पशु जो है उसको वीर्यदान करवाया, अंदर बच्चा बन गया, वो जब बच्चादानी के अंदर आया, फेलोपियन ट्यूब में बच्चा बनता है, जब वो बच्चादानी के अंदर आया तो वहाँ का वातावरण जो है उसके लिए अनुकूल नहीं होता तो वो मर जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है जिसमें एक कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, लेकिन अक्सर जो है अक्सर जो है पशुपालक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के टीके पशु की गर्मी के समय लगा देते हैं और कहते हैं ये लॉक वाला टीका है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पशु के गैबिन रहने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टीका लगाना है तो कम से कम उसको वीर्यदान के 5 दिन बाद लगाना चाहिए। पशुपालकों को फुराव की समस्या से निपटने के लिए चिकित्सक की सलाह के अनुसार पशु का ध्यान रखना चाहिए तथा उसे हरा चारा खिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में हरा चारा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में पशुओं को मिनरल मिक्सचर 1% कुल चाटा जो आप दे रहे हैं उसका 1% चाटे के साथ रोजाना देना चाहिए तो फुराव की समस्या में कमी आएगी। पशुओं की गर्मी हीट में आने का पूरा ध्यान रखना चाहिए उन चिकित्सक द्वारा बताए गए उचित समय पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु ले जाना चाहिए। पशु के बाड़े को साफ सुथरा रखना चाहिए, पशुओं को तेज धूप और गर्मी से बचा के रखना चाहिए। फिर जो है जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनके खान पान पर विशेष ध्यान दें क्योंकि जो पशु बहुत ज़्यादा दूध पैदा करेगा उसको जो है कोई ना कोई चीज़ की कमी हो सकती है तो वो भी फुराव का शिकार हो सकता है। गर्मी में आए पशु का स्राव यदि कांच की तरह साफ नहीं हो या उसमें भिदड़की हो तो उसका उपचार चिकित्सक के द्वारा करवाएं। यदि पशु लंबे समय तक गर्मी में रहता हो तो भी चिकित्सक द्वारा उपचार करवाना आवश्यक है। देखिए इसके अलावा कुछ जो है बीमारियां हो सकती है जैसे कि कैंपाइलोबैक्टर अथवा ट्राइकोमोनास जो कि सांड से गाय को जा सकती है और गाय से अन्य सांड को जा सकती है। तो यदि कृत्रिम वीर्यदान कराएंगे तो कम से कम जो है कैंपाइलोबैक्टर बीमारी तो नहीं होगी। फिर ये बीमारियां जब आपके बाड़े में फैल जाती हैं तो आपके बहुत सारे पशु जो है वो फुराव की समस्या का शिकार हो जाते हैं। फिर पशुपालक भाइयों गर्भाधान के बाद पशुओं को अत्यधिक भगाए नहीं तथा फुराव करने वाले पशुओं को गर्भाधान के 13 दिनों बाद 50 से 100 ग्राम अलसी का तेल अथवा मछली का तेल अथवा दोनों 4 से 5 दिनों तक खिलाना लाभदायक रहता है। यदि किसी एक सांड से फुराव की समस्या अधिक हो रही है तो सांड को का परीक्षण चिकित्सक द्वारा करवाना चाहिए अथवा सांड को बदलना चाहिए। यदि कृत्रिम वीर्यदान से फुराव की समस्या अधिक हो रही है तो चिकित्सक से वीर्य की जांच भी समय समय पर करवानी चाहिए। वीर्य के रख रखाव में कमी से भी फुराव की समस्या बढ़ सकती है। पशुपालक खासतौर से पशु की गर्मी हीट के समय का ध्यान रखें तथा पशु की गर्मी शुरू होने के 8 से 12 घंटे बाद पशुओं को कृत्रिम वीर्यदान हेतु गर्भाधान केंद्र पर ले जाएं। तो दोस्तों अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फुराव की समस्या में कमी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें तथा पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।